हेलो बच्चों, आज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पांचवा पार्ट हम पढ़ेंगे और आप देख रहे हो कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो अपने आप में ये सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज द लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन। लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है। तो कैसे होता है प्रोसेस हम देखते हैं। कल हम ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ चुके हैं और अगर आपने उसको समझ लिया है तो इसको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। सो लेट स्टार्ट। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन मोबिलाइजेशन। द ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड इन द लीवर और मसल, दे गेट मोबिलाइज टू रिलीज द ग्लूकोज यूनिट्स और द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी और अदर मेटाबॉलिक पर्पसेस। तो आमतौर पर आपको पता था कि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है या मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है और उसमें से जब वो ग्लाइकोजन टूटता है और टूटने के बाद जो ग्लूकोज यूनिट रिलीज करता है तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ऑब्वियसली सिंस द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकिंग डाउन तो इसलिए वो टूट रहा है, टूट करके क्या रिलीज कर रहा है, दैट इज रिलीजिंग द ग्लूकोज यूनिट्स। तो सिंस दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ अ बिग मॉलिक्यूल द पॉलीसेक्राइड शुगर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसको क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ग्लाइकोजन जैसे हम कल डिस्कस कर चुके हैं, दे आर स्टोर्ड इधर इन लीवर और इन मसल्स। दिस स्लाइड आई हैड शेयर्ड यस्टरडे आल्सो, कल भी मैंने आपको ये स्लाइड शेयर किया था। और देखिए दिस इज द वे और दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इन द स्लाइड ऑफ लीवर। सो लीवर में क्या फंक्शन होता है ये भी अब आपको बता चुके हैं कि इन लीवर द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इज रिलेटेड टू मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को एक रेंज में, एक हीमोस्टेटिक रेंज में बनाए रखने के लिए ये ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है या फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस हमने पढ़ ली, आज टुडे वी आर डिस्कसिंग द ब्रेकडाउन और द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मसल्स में तो बेसिकली लीवर में जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है ये क्या करता है, दिस मेंटेन्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जबकि जो मसल्स में जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है वेदर इट इज सिंथेसिस और द ब्रेकडाउन, दिस इज मीन्ट फॉर कैटरिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मसल्स। मतलब जो हमारे मसल्स या जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो काम करती हैं और उनको काम करने के लिए ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एटीपी द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हेन द मसल्स आर नॉट वर्किंग इन दैट केस सम स्टोर ग्लाइकोजन इज रिक्वायर्ड देयर सो दैट कि जब टिश्यू को काम करना पड़े, मसल को काम करना पड़े तो ग्लाइकोजन तुरंत टूट करके ग्लूकोज यूनिट को प्रोवाइड कर। दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। ये आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स दे आर लिंक्ड विथ 1-4 लिंकेज, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है, देर इज सम ब्रांचिंग ऑल्सो विथ 1-6 लिंकेज। तो जैसे कि ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट ऐसे 1-4 लिंकेज पहले कार्बन और चौथे कार्बन के लिंकेज के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें से कुछ ब्रांचिंग होती है, फिर इसमें से कुछ और ब्रांचिंग होती है। तो ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो सिंथेसिस रिक्वायर्ड द एडिशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें कि क्या लगता था, यूडीपी ग्लूकोज लगता था। बट हियर वी आर डिस्कसिंग द ब्रेक डाउन, सो हम सीधे वहां चलेंगे। सो सपोज करो कि दिस इज अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। अब इसमें से दो ही रेसिड्यू को दिखाया गया है लेकिन आप इमेजिन करिए कि चेन बहुत लंबा है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि देयर आर एन रेसिड्यू, सपोज देयर आर 100 ग्लूकोज यूनिट्स इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ दिस ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के इस अणु में 100 ग्लूकोज है मान लीजिए, फिर क्या होगा कि यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोवाइड किया जाएगा और एंजाइम जो है, जो फॉस्फोरिलेज नाम का एंजाइम है वो यहां पर लगेगा एंड दिस विल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, दिस विल ब्रेक
1-4 लिंकेज एट द टर्मिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट। तो सबसे किनारे जो ग्लूकोज यूनिट है उसको ये ब्रेक डाउन करेगा, उसका जो 1-4 लिंकेज इसको ब्रेक डाउन करेगा एंड दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिस विल फॉस्फोरिलेट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन गया जी, और चूंकि इसमें से एक ग्लूकोज निकल गया तब ये 100 में से एक N-1 हो जाएगा, मतलब 99 ही रह जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ग्लाइकोजन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंड ग्लाइकोजन विथ विच इज लेसर बाय 1 ग्लूकोज यूनिट फ्रॉम दिस ग्लाइकोजन। अब इसमें 2-3 फायदे हैं, देखिए आप देख रहे हो, ध्यान दीजिए कि यहां पर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन के दे रहा है ना, यहां क्या बन रहा है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन रहा है, ग्लूकोज यूनिट सीधी सीधी नहीं बन रही है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट थिंग इज दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन जो अभी आपने देखा ये उत्क्रमणीय था, मतलब इट कैन गो बोथ द डायरेक्शंस, बट व्हाट हैपेंस कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की तुलना में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन हमेशा राइट डायरेक्शन में या बाएं से दाहिने ज्यादा जाता है, मतलब कि लगातार ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनते रहेंगे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से, इफ द फॉस्फोलेज इज देयर एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड इन द एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि ये जो रिलीज शुगर है ये आपने देखा था कि रिलीज शुगर वाज ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, नाउ दिस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज ऑलरेडी फॉस्फोरिलेटेड। और अभी हम देखेंगे कि बेसिकली जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते थे तो वहां ग्लाइकोलिसिस के निर्माण में शुगर को पहले क्या करना पड़ता था, उसमें शुगर को पहले फॉस्फोरिलेट करना पड़ता था, वहां एटीपी मॉलिक्यूल हमें लगाने पड़ते थे और उसमें क्या होता था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट वगैरह बनते थे। तो वहां क्या होता था कि हमें एटीपी खर्च करके ग्लूकोज को ग्लूकोज फॉस्फेट बनाना पड़ता था। यहां ग्लाइकोजन टूटने के बाद सिंस दिस शुगर यूनिट इज ऑलरेडी फॉस्फोरिलेटेड दैट्स व्हाई नो एटीपी इज रिक्वायर्ड टू एंटर दिस ग्लूकोज यूनिट और ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जाने के लिए यहां पर हमको एटीपी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ग्लूकोज जो है ऑलरेडी फॉस्फोरिलेटेड है। दूसरी बात कि ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है ये तब तक लीवर नहीं छोड़ सकता, लीवर के सेल्स को लीवर से बाहर आकर के ब्लड में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि इसका ये फॉस्फेट यूनिट हटेगा नहीं, और जब तक फॉस्फेट यूनिट हटाने के लिए वहां पर एक फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, इसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सो बेसिकली दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस टेक्स प्लेस इन 3 major steps, 3 मुख्य चरणों में होता है। तो पहला कौन सा एंजाइम जिसको अपने फॉस्फोरिलेज का, फॉस्फोरिलेज क्या कर रहा है आप देख ही रहे हो, ये क्या कर रहा है कि यहां से एक एक करके इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को 1-4 लिंकेज तोड़ करके, और ये क्या कर रहा है, दिस इज ब्रेकिंग द एमाइलो 1-4 लिंकेज एंड प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। हियर द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड एंड 8 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल प्रोड्यूस 8 ग्लूकोज 1-फॉस्फेट आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। यहां एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोरिलेज। Now, जब ये यहां तक आ जाता है, जब सिर्फ ये जो ब्रांचिंग वाला एंजाइम है यहां अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास ग्लूकोज यूनिट रह जाते हैं, देन अनदर एंजाइम वर्क्स, दिस विल ब्रेक दिस बॉन्ड। वो क्या करेगा, यहां से इसको निकालेगा एंड इसको क्या करेगा, यहां पर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सो द एंजाइम नेम इज ट्रांसफरेज, इसका अगर नाम देखिए तो इसको हम कहते हैं एमाइलो 1-4-2-1-4 ग्लाइकोन ट्रांसफरेज। दिस एंजाइम विल ट्रांसफर दीज 3 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज टू द मेजर चेन ऑफ दिस ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर के मेजर चेन में इसको ट्रांसफर कर देगा। सो ये काम हो गया, देखिए यहां 3 आपको दिख रहे हैं यहां पर के जाकर के जुड़ गए। Now, इसका क्या होगा, इसका ये होगा यहां फिर हमें एक दूसरा एक एंजाइम चाहिए होगा, इसको हम कहते हैं एमाइलो 1-6 ग्लाइकोसाइडेज, वह इसको तोड़ देगा। फिर बाकी क्या है कि जब स्ट्रेट चेन हमें लास्ट में रह जाता है
उस पर फॉस्फोरिलेज काम करके और फाइनली इसके एक एक यूनिट को अलग कर देता है। ग्लाइकोजन के एक एक यूनिट को क्या करेगा, ये अलग कर देगा। इन दिस वे द ग्लाइकोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के सिंगल यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द वे इन विच द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस वर्क्स। नाउ इन यूकैरियोट द ट्रांसफरेज एक्टिविटी, अभी आपने देखा कि दो एक्टिविटी है, तो फॉस्फोरिलेज हो रहा था, दूसरा ट्रांसफरेज था और तीसरा ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी था। तो ग्लाइकोसाइडेज एंड दिस ट्रांसफरेज एक्टिविटी एक्चुअली इज परफॉर्म्ड बाय द सिंगल बायफंक्शनल प्रोटीन, वो एक ही बायफंक्शनल प्रोटीन होता है, इसे परफॉर्म किया जाता है। और ग्लूकोज वन फॉस्फेट जो है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में फॉस्फोग्लूको म्यूटेशन से द्वारा बदल दिया जाता है। लेटेस्ट ये हमने कल भी स्लाइड आपके साथ शेयर किया था। सो ग्लाइकोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोज ग्लूकोज वन फॉस्फेट विद एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज, देन द फॉस्फोग्लूको म्यूटेज कन्वर्ट्स दिस ग्लूकोज वन फॉस्फेट टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट विच इधर गोज टू द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और इट गोज टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड देन फर्दर इट इज रिलीज इन द ब्लड सर्कुलेशन और इट कैन गो इन टू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड फर्दर इन टू सिंस, चूंकि ये जो क्रिया हो रही है खासतौर से अगर मसल्स में है तो उतना ऑक्सीजन उसमें प्रोवाइड नहीं होता, तो उस समय क्या होता है कि पायरुविक एसिड से फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह होता है। लेकिन एक बात हमने आपको पहले ही बताया कि जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया शुरू होती है तो जब ग्लूकोज से हम शुरू करेंगे तो वहां हमको ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, वी नीडेड 1 ATP विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, वो यहां पे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है तो, उससे जब ग्लूकोज रिलीज हो रहा है तो। सो लीवर कंटेंट्स, अब देखिए लीवर में जब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन गया तो लीवर में तो उसके फॉस्फेट को हटाने वाला एक एंजाइम है ना, जिसका नाम है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, लेकिन ये एंजाइम मसल्स में नहीं है। लीवर में से क्या होता है कि द ग्लूकोज यूनिट विच आर रिलीज्ड इन द लीवर सेल्स आर लीवर सेल्स हैज टू बी डिलीवर्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, वहां से उसको ब्लड सर्कुलेशन में जाना होता है। और जब तक ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के फॉर्म में रहेगा तब तक वो लीवर सेल से बाहर नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो फॉस्फेट को हटाना पड़ता है द एंजाइम जो कि वहां काम करता है उसका नाम है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, उससे ये फिर ग्लूकोज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा। लेकिन मसल्स में ये एंजाइम नहीं होता, क्यों, क्योंकि लीवर रिलीजेस द ग्लूकोज टू द ब्लड टू बी टेकन अप बाय द ब्रेन एंड एक्टिव मसल्स, and this liver regulates the blood glucose level that I have mentioned already, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन मसल जो है वो रिटेन करता है ग्लूकोज फॉस्फेट को, क्योंकि वहां अगर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं भी है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से वहां पर क्या हो गया कि वहां से ATP बनने लग जाएंगे, यानी कि एक जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो हमें क्या कहते हैं 3 ATP दे देगा यहाँ, ठीक है, कितने ATP दे देगा, 3 ATP दे देगा। नॉर्मली 4 ATP बनते थे पाइरुवेट बनने में, उसमें से 2 खर्च हो जाते हैं, जिसमें 1 ATP हमें खर्च नहीं करना पड़ रहा है, सो वी आर गेटिंग 3 ATP देयर इफ द दिस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हैज केम अप फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। Now this is the structure. I don't think कि आपको मैं यहाँ पर अभी इस स्टेज में ज्यादा एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये जो एक्टिव साइड है जहां पर कि ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम का ये मॉलिकुलर कॉन्फॉर्मेशन है, मॉलिकुलर ओरिएंटेड जो कहते हैं ना आणविक संरचना जो है वो ऐसी होती है। तो इसमें आप देखिए एक सिर्फ एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाइसिन लगा हुआ है, यहाँ सी टर्मिनल डोमेन है एंड टर्मिनल डोमेन है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, ग्लाइकोजन यहाँ पर लगता है और ये एक्टिव साइट है जहां पर कि फॉस्फोरिलेज लगा होता है। इसमें कुछ खास बातें देखिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज यूजेज द
पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये जो पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ पाइरिडॉक्सिन, यानी कि विटामिन B6 का एक व्युत्पन्न होता है जिसको हम PLP या पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, दिस इज PLP पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, और ये एंजाइम का जो एंजाइम है फॉस्फोरिलेज उसका एक लाइसिन रेसिड्यू है जिसके साथ एक सिफ बेस लिंकेज बना करके ये पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट जुड़ा होता है, और ये जरूरी होता है, ये ग्लूकोज को मोबिलाइज करने के लिए जरूरी होता है, और इसका उपयोग ट्रांसएमिनेशन में भी होता है जो हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। नाउ दिस एंजाइम दिस फॉस्फोरिलेज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, एक एक्टिव फॉर्म होता है दूसरा इनएक्टिव फॉर्म होता है, और यहां इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेशन होता है। जो एलोस्टेरिक हम बता चुके हैं आपको कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं वहां पर सबस्ट्रेट से लगने के लिए एक एक्टिव साइट तो होता है, एंजाइम पर जाहिर सी बात है कि सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए एक एक्टिव साइट होता है जो मैंने बताया था, लेकिन साथ में एक और साइट होती है जहां पर उसके कोई और फैक्टर या कोई और दूसरा इफेक्टर मॉलिक्यूल लगता है। तो ये फॉस्फोरिलेज ए जो है ये एक्टिव फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए कि ये सेरीन नाम का एक एमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है, पूरी संरचना में सेरीन होता है, सेरीन के ऊपर क्या होता है कि एक फॉस्फेट लग जाता है, तो फॉस्फेट लगने के बाद ये एंजाइम एक्टिव होता है। यहां पर ये फॉस्फेट नहीं है, यहां पर सेरीन रेसिड्यू जरूर है बट देयर इज नो फॉस्फेट। सो इफ द फॉस्फेट इज एडेड इस फॉस्फोरिलेज के बी में, अगर एक फॉस्फेट यहां पर लग जाता है, एक फॉस्फेट यहां पर लग जाएगा तो क्या होगा, दिस एंजाइम विल गेट कन्वर्टेड इंटू द फॉस्फोरिलेज ए और तब ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इस एंजाइम को इनएक्टिव से एक्टिव बनाने के लिए फॉस्फोरिलेज की आवश्यकता पड़ती है। नाउ दूसरी बात की है, जो एक्टिव इनएक्टिव जो ए और बी फॉर्म में होता है वो तो कहानी अलग है, इसके अलावा भी ये जो एंजाइम है ये दो फॉर्म में अलग से रहता है, मतलब ए बी फॉर्म में तो रहेगा, एक इसका आर स्टेट कहलाता है, दूसरा इसका टी स्टेट कहलाता है। तो आर स्टेट जो है रिलैक्स स्टेज है जहां ये ज्यादा एक्टिव रहता है, और टी स्टेट में थोड़ा सा कम एक्टिव रहता है। तो इक्विलिब्रियम जो फॉस्फोरिलेज ए का है उसमें आर स्टेट की तरफ होता है, जबकि जो फॉस्फोरिलेज बी का है वो टी स्टेट की तरफ होता है, लेस। तो जाहिर सी बात है कि जो अब देखिए अभी बताता हूं मैं कि यहां पर से जो अभी देखा ना सेरीन 14 जो 14वां एमिनो एसिड होता है उस प्रोटीन स्ट्रक्चर का वो सेरीन होता है, और सेरीन में जाकर के फॉस्फोरिलेज काइनेज नाम का एंजाइम एक फॉस्फेट जोड़ करके इसको बी से ए बना देता है जो हमने डिस्कस किया। तो फॉस्फोरिलेज काइनेज कन्वर्ट्स फॉस्फोरिलेज बी इनएक्टिव टू फॉस्फोरिलेज ए दैट इज एक्टिव, टी स्टेट इज लेस एक्टिव, ये हम बता चुके, आर स्टेट इज एक्टिव। अब यहां देखिए ये दोनों हैं, ये क्या है, दीज टू आर फॉस्फोरिलेज बी मीन्स दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ये क्या है, ये फॉस्फोरिलेज ए है, दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब इसमें क्या होता है कि आर स्टेट में मतलब बी जो है वो टी स्टेट में ज्यादा रहना पसंद करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, और ये जो ए है ये आर स्टेट में ज्यादा रहना पसंद करता है। अब ये आर स्टेट में भी एंजाइम, चूंकि ये देखिए फॉस्फोरिलेज ए इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम बट स्टिल दिस फॉर्म ऑफ एंजाइम इज मोर एक्टिव देन दिस फॉर्म, क्यों, यहां देखिए जो सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट है एंजाइम का जहां सबस्ट्रेट आके जुड़ता है ये पार्शियली क्या होता है कि ये पार्शियली ये ब्लॉक रहता है एक एमाइनो एसिड की श्रृंखला, जबकि यहां जो है दिस साइट इज फ्री। तो क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम फॉर फॉस्फोरिलेज ए फेवर्स आर स्टेट, ए वाला जो है ये आर स्टेट को फेवर करता है जैसे मैंने आपको बताया, एंड बी फेवर्स द टी स्टेट। इसके अलावा जो एंजाइम एक्टिविटी जो होती है उसका जो रेगुलेशन होता है उसमें दो चीजें खास तौर से होती है, एक तो हार्मोन होता है, ये हार्मोन वही हार्मोन है जो कल हमने डिस्कस किया था, दैट इज कैटाकोलामिन द एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन के अचानक से स्राव होने की वजह से क्या होता है कि वो आपको पता ही है कि दैट इज द हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, तो वो जब स्राव होता है तो वो फिर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए बनाएगा। तो इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है प्रोटीन काइनेज ए की मदद से पार्शियली एक्टिव होगा, फिर इसको
पूर्णतया एक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर कैल्शियम चाहिए होगा। कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, ये कैल्शियम नर्व इम्पल्स है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इन सब में आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली दिस कैल्शियम एंड प्रोटीन काइनेज, ये जो दोनों जब तक नहीं लगेंगे तब तक वी ओंट गेट द एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस फॉस्फोरिलेज, दैट इज फॉस्फोरिलेज ए। इसको थोड़ा एक्सप्लेन और देखिए, मसल इज मोर रिस्पॉन्सिव टू इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जाहिर सी बात है, जब किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, जब मान लीजिए कि किसी ऐसी अवस्था में जब अचानक से शरीर ट्रॉमा में आदमी को भागना पड़ रहा है, या सपोज समवन इज डूइंग सम स्ट्रेनस एक्सरसाइज, इज रनिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ इपिनेफ्रिन बनता है और उस समय मसल्स को अचानक से ज्यादा काम करना पड़ता है। तो मसल्स को जब ज्यादा काम करना पड़ता है तो उस टाइम भी एपिनेफ्रिन निकलते हैं, और तो एपिनेफ्रिन जो होता है, मसल्स जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है इपिनेफ्रिन से, जबकि लीवर इज मोर रिस्पॉन्सिव टू ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन आपको पता है कि ग्लूकागॉन इज द हार्मोन दैट एक्चुअली फेवर्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, वो ग्लाइकोजेनेसिस को फेवर करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को नहीं फेवर करता है। इसलिए लीवर जो है ये मतलब तुरंत इमरजेंसी में कोई हार्मोन आया, तात्कालिक रूप से कोई हार्मोन आया तो उसके प्रति लीवर का जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है वो कम रिस्पॉन्स करता है, जबकि मसल्स का बड़ी तेजी से रिस्पॉन्स करता है। तो ये सिग्नल कास्केड है, जो मॉलिक्यूलर इवेंट है, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। सो द लीवर इज लेस रेस्पॉन्सिबल टू दिस इपिनेफ्रिन एंड मसल इज मोर रेस्पॉन्सिव टू इपिनेफ्रिन, क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन तुरंत जो काम करना पड़ता है वो पेशियों को काम करना पड़ता है। लीवर का काम ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का, जो थोड़ा सा उतना इमरजेंट सिचुएशन में ये काम नहीं करता, बट स्टिल अगर ये ब्लड के ग्लूकोज मसल्स में जाकर के यूटिलाइज हो रहे हैं, देन लीवर विल प्रोड्यूस द ग्लाइकोजन यूनिट्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, सो दिस इज, आप देखिए ये इपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन है, ये आकर के मसल सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वहां आके लगा, यहां पर एक रिसेप्टर बना हुआ है, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है यहां पर, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ना, वो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन के प्रति रेस्पॉन्सिव होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन्स के लिए या फिर नर्व्स के लिए कोशिकाओं पे, और ये जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, तो हमने बार बार बताया था आपको कि ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सो वंस दिस हार्मोन्स गेट्स अटैच टू दिस एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, वो क्या करता है, यहां पर एक जी प्रोटीन होता है, जिसमें आप देखिए तीन यूनिट होते हैं, एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट ये है, सॉरी ये तो जीडीपी बना हुआ है, वन अल्फा यूनिट इज दिस, बीटा इज दिस एंड गामा इज दिस। सो थ्री यूनिट्स आर देयर इन द जी प्रोटीन। जी प्रोटीन इसको इसलिए कहते हैं कि दिस इज एक्टिवेटेड बाय द जीटीपी से एक्टिवेट होता है, इसको हम जी प्रोटीन कहते हैं, जो तीन यूनिट का बना हुआ है। इसमें फिर क्या होगा कि एक बार जब यहां पर एक फॉस्फेट लग जाता है, जैसे ये इपिनेफ्रिन आके लगेगा ना, तैसे ये क्या होगा, ये जी प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाएगा, तो बीटा और गामा यूनिट तो अलग हो जाएंगे, और इसकी जो अल्फा यूनिट है इसके साथ एक जीटीपी लग जाता है, ये अब एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ये क्या करेगा, दिस विल एक्टिवेट द साइक्लिक, प्रोड्यूस द साइक्लिक एएमपी। एटीपी से क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करेगा, इसकी संरचना हम कभी ना कभी बताएंगे आपको दूसरे लेसन में। दिस साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज ए, पीकेए इसको एक्टिवेट करता है। दिस प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट फॉस्फोरिलेज काइनेज, ये फॉस्फोरिलेज काइनेज नाम का एक दूसरा एंजाइम होता है उसको करता है। देन दिस काइनेज का काम ही है फॉस्फोरिलेशन करना। मैंने आपको बताया कि द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो उसका फॉस्फेट एटीपी से आएगा, या उसका फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिक एसिड वगैरह से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आएगा। अगर फॉस्फोरिलेशन के दौरान किसी भी सब्सट्रेट पर फॉस्फेट लगाने के लिए एटीपी का यूज होता है, देन दैट एंजाइम वुड बी कॉल्ड एज काइनेज। इसका मतलब अगर ये फॉस्फोरिलेज काइनेज लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इस फॉस्फोरिलेज से फॉस्फोरिलेज ए बनाने के लिए, इस फॉस्फोरिलेज पर एक फॉस्फेट जोड़ने के लिए
जो ये फॉस्फेट आएगा ये कहां से आएगा, ये फॉस्फेट आएगा एटीपी से. सो दिस फॉस्फोरिलेज काइनेज एड्स वन फॉस्फेट रेसिड्यू ऑन द ऑन दिस एंजाइम स्ट्रक्चर एंड दैट इन दैट वे दिस एंजाइम इज एक्टिवेटेड. और फिर फॉस्फोरिलेज जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस हम आप अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज द वे हाउ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज रेगुलेटेड. इसमें हमने पहले ही बता दिया, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये हार्मोन है एपिनेफ्रिन, दूसरे अभी हमने ये भी देखा था कि कैल्शियम का भी रोल होता था. और कैल्शियम जो होता है वो बेसिकली हमने आपको यहां बताया नहीं, लेकिन वो दूसरा एक प्रोटीन होता है. इसे ये एपिनेफ्रिन ने साइक्लिक एएमपी के जरिए प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया ना, उसी प्रकार जो कैल्शियम है ये कैलमेडुलिन काइनेज नाम का एक दूसरा एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है, जो जाकर के फॉस्फोरिलेज काइनेज और फिर इसको एक्टिवेट करता है, वो हमने बताया नहीं. तो बेसिकली हम इतनी बातें आपको बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आपको लिखना होगा तो आप एंजाइम का स्ट्रक्चर टी फॉर्म और आर फॉर्म वगैरह अगर आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो. व्हाट यू नीड टू मेंशन और व्हाट यू नीड टू राइट नेसेसरली, जो तीन स्टेप का हमने प्रोसेस बताया था वो जरूर लिखना. और इससे पहले हमने कैल्शियम और पीकेए का जो हमने एक रेगुलेशन वाला एक स्लाइड दिखाया था वो जरूर लिखना, और इस स्लाइड का जिक्र जरूर करना. तो इन दैट वे ये बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इतने नोट्स आ सकते हैं आपको लिखने के लिए, तो इसकी तैयारी आप अकॉर्डिंगली करना. और अगर कोई सवाल हो आपको तो पूछिए. थैंक यू वेरी मच. इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं खत्म कर